सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बस आपको रेड कलर का बटन होगा इस चैनल के नीचे, उसको उस पर क्लिक करना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 40 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके पहले के एमसीक्यू भी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो उसे आप प्लीज़ ज़रूर देखें। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा रूट जो है वो अवॉइड करता है फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ ड्रग, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कौन सा रूट अवॉइड करता है जो कि लीवर के थ्रू होता है। देन इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपको इंट्रावेनस इंजेक्शंस, रेक्टल सपोजिटरी, ओरल इंजेक्शंस या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो है उसके थ्रू जब मेडिकेशन दी जाती है तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती, लीवर जो है उसके थ्रू कैरी आउट होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि कुछ मेडिकेशन जो है दे मस्ट बी गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन के फॉर्म में उनको दिए जाते हैं। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनके ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें फास्ट चाहिए होते हैं और उनको इन्फ्यूजन के फॉर्म में देना पड़ता है, तो उसको आई वी रूट से दिया जाता है। आई वी रूट से देने का क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली सेंड किए जाते हैं वीन में यूजिंग नीडल और ट्यूब। देखिए इस तरह से डायरेक्टली इनको कहाँ दिया जाता है, वीन जो है उसमें इंसर्ट किया जाता है। देन देखिए विद आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अ थिन प्लास्टिक ट्यूब जिसको हम आईवी कैथेटर कहते हैं उसको इंसर्ट किया जाता है वेन में। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ड्रग एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें पूछा है कि क्लिनिकल ट्रायल के इसमें से कौन से फेज में ड्रग एथिकल क्लियरेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो रिक्वायर्ड नहीं होता। देखिए ऑप्शन में है फेज 3, फेज 4, फेज 2 या फेज 1। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फेज 4 जो है उसमें नहीं रिक्वायर्ड होता है ड्रग एथिकल क्लियरेंस। देखिए क्या अलग अलग फेसेज में डिवाइड किया जाता है जो भी क्लिनिकल रिसर्च होती है उसको। द फेसेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च are the steps in which scientists do experiment with a health intervention in an attempt to find enough evidence for the process which would be useful as a medical treatment. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इन प्रोसेस के थ्रू इन अलग अलग फेसेस के थ्रू जो है साइंटिस्ट जाते हैं जिससे कि वो पता कर पाते हैं कि जो ड्रग दी जा रही है किसी पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए, तो वो उसके लिए इनफ एविडेंस है या नहीं कि वो ड्रग जो है वो उस तरह के डिसीज़ को ठीक भी कर पाएगी या नहीं। तो इस फेसेस के थ्रू जाके ही साइंटिस्ट जो है ये सब पता लगा पाते हैं। तो देखिए अलग अलग फेसेस में डिवाइड होता है ये। फेज 1 में क्या होता है, देखिए स्टडी होती है जो असेस करती है सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड डिवाइस। देन फेज 2 में क्या होता है, देखिए सारे ही फेसेस हैं, सब के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। फेज 2 में होता है स्टडीज टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग और डिवाइस। तो क्या वो ड्रग जो है उसकी एफिकेसी कितनी है, वो इफेक्टिव है या नहीं उस पर्टिकुलर डिसीज़ जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए। देन फेज 3 में क्या होता है, स्टडी इन्वॉल्व रैंडमाइज्ड एंड ब्लाइंड टेस्टिंग इन सेवरल 100 एंड सेवरल 1000 ऑफ पेशेंट्स। तो ये बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल जो है। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग को सेवरल 100 या सेवरल 1000 नंबर ऑफ पेशेंट जो है उन पे टेस्ट किया जाता है, वॉलंटियर जो है उन पे टेस्ट किया जाता है ड्रग को, उसकी इफेक्टिवनेस जो है उसको चेक करने के लिए, और अगर किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट वो शो करती है ड्रग तो उसको भी चेक करने के लिए फेज 3 कंडक्ट किया जाता है। देन फेज 4 में क्या होता है, देखिए ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ट्रायल होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है आफ्टर अ ड्रग और डिवाइस has been approved for consumer sale। तो जब एक बार ड्रग जो है वो मार्केट में चली गई है तो उसको सर्वेलेंस किया जाता है फेज 4 स्टडी में। तो फेज 4 जो है उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है ड्रग एथिकल क्लियरेंस। तो आपको ये सारे फेसेस जो है इनके बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है।
देखिए क्वेश्चन है के एम वैल्यू इंडिकेट्स, तो आपसे पूछा है कि के एम वैल्यू जो है वो क्या इंडिकेट करती है, इसमें से एफिनिटी ऑफ एंजाइम, इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल एंड प्योरिटी ऑफ एंजाइम। तो आंसर है इसका देखिए ऑप्शन ए, एफिनिटी ऑफ एंजाइम जो है उसको इंडिकेट करती है के एम वैल्यू। क्या होती है देखिए के एम वैल्यू, के एम वैल्यू इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच परमिट एंजाइम टू अचीव हाफ वी मैक्स। तो के एम वैल्यू क्या होती है, वो कंसनट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की जिस पे एंजाइम जो है वो अपने हाफ ऑफ द वी मैक्स जो है उस पे एंजाइम जो है वो पहुंचता है। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के वर्सेस अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो के एम वैल्यू क्या होती है, जब वी मैक्स हाफ ऑफ द वी मैक्स अचीव करती है एंजाइम जो है वो अचीव करती है। देन देखिए एंजाइम जो है, फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है देखिए कि एंजाइम जिसकी हाई के एम वैल्यू होती है उसकी लो एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट के लिए, मतलब क्या क्या चाहिए होगा उसको, ग्रेटर कंसंट्रेशन चाहिए होगी सबस्ट्रेट की अचीव करने के लिए वी मैक्स। देखिए जैसे ये दो एंजाइम्स दिए गए हैं तो ये एंजाइम बी है जिसका हाई के एम वैल्यू है, तो इसे क्या चाहिए होगा, क्योंकि हाई के एम वैल्यू है इसका तो इसकी सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो लो होगी, जिसके कारण क्या होगा इसको सबस्ट्रेट की हाई कंसनट्रेशन चाहिए होगी वी मैक्स को अचीव करने के लिए। वहीं देखिए ये एंजाइम ए जो है इसका लो के एम वैल्यू है तो सबस्ट्रेट की कम कंसनट्रेशन पे ही इसका हाफ वी मैक्स जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं केएम वैल्यू के केस में। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। ऑप्शन में देखिए क्या है, प्रोप्रेनोलॉल है, देन फिनोबार्बिटोन दिया हुआ है, फिनाइल ब्यूटाजोन दिया हुआ है एंड फेनिटोइन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोप्रेनोलॉल जो है वो शो करती है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए ये स्ट्रक्चर है प्रोप्रेनोलॉल का, क्या होती है देखिए प्रोप्रेनोलॉल एक तरह का ये बीटा ब्लॉकर होता है जिसको यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके ट्रीटमेंट के, चेस्ट पेन जिसको हम एंजिना कहते हैं उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है एंड अनइवन हार्ट बीट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है देखिए, जैसे हमने अभी पहली वाली स्लाइड पे भी देखा था, ये एक ऐसी फेनोमिना होती है, इज अ फेनोमिना ऑफ ड्रग मेटाबोलिज्म वेयर बाय द ड्रग कंसनट्रेशन इज ग्रेटली रिड्यूस बिफोर इट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये एक ऐसी फेनोमिना होती है जिसमें ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाती है और जिसके कारण ड्रग की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है जब तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोप्रेनोलॉल का है। देखिए पूछा है फार्माको विजिलेंस इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है फार्माको विजिलेंस, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, टू मॉनिटर अनऑथराइज ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट या कॉस्ट चेक करने के लिए, चेक कॉस्ट। आंसर है इसका ऑप्शन ए, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है फार्माको विजिलेंस को। क्या होती है देखिए फार्माको विजिलेंस देख लेते हैं, फार्माको विजिलेंस इज ऑल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है फार्माको विजिलेंस को, इज द फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू द कलेक्शन डिटेक्शन असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये ऐसी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंडर ये सभी चीज़ें की जाती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कलेक्शन किया जाता है, उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनकी असेसमेंट की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है एंड देखा जाता है कि किसी भी तरह के एडवर्स इफेक्ट ना शो करे कोई भी किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होता है, प्रिपरेशन जो होती है वो। एज सच जो है देखिए फार्माकोविजिलेंस बेसिकली जो फोकस करती है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे फोकस करती है। क्या होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एनी रिस्पॉन्स टू द ड्रग विच इज़ नॉक्शियस और अनइंटेंडेड। तो ऐसा कोई भी इफेक्ट जो ड्रग शो कर रही है जो कि इंटेंडेड नहीं है, जो पहले से पता नहीं है कि वो ड्रग शो करेगी किसी भी तरह के पेशेंट जो है उसमें, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली जो विजिलेंस है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे फोकस करती है। देखिए पूछा है रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम, तो पूछा है आपसे कि बोरेक्स का क्या रोल होता है कोल्ड क्रीम्स में, एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्ट करती है, टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉलिश स्किन, देन एंटी ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है या इन सीटू इमल्सीफायर की तरह यूज़ किया जाता है। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन डी, इन सीटू इमल्सीफायर की तरह यूज़ किया जाता है बोरेक्स को कोल्ड क्रीम में। क्या होती है देखिए इन सीटू इमल्सीफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सर्फेक्टेंट जो है उसको सिंथिसाइज या हम
सकते हैं जनरेट किया जाता है स्पॉन्टेनियसली एट ऑयल वाटर इंटरफेस। तो देखिए इमल्शन इस तरह की प्रिपरेशन होती है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल दोनों ही टाइप के होते हैं। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो डिस्पर्स होता है डिस्पर्जन मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम हाई क्वान्टिटी का होता है एंड डिस्पर्स्ड फेज जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है उसकी क्वान्टिटी कम होती है। तो देखिए इंसीटू इमल्सिफिकेशन जो है वो बाकी इमल्सिफिकेशन से कैसे अलग होता है, क्योंकि इसमें जो सर्फेक्टेंट है इसको डायरेक्टली सिंथेसाइज कर दिया जाता है डायरेक्टली जो ऑयल वाटर इंटरफेस पे, ऑयल वाटर जहाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसी इंटरफेस पे क्या किया जाता है सर्फेक्टेंट को जनरेट कर दिया जाता है। देन बोरेक्स जो है उसको हम जानते हैं सोडियम बोरेट के नाम से भी, सोडियम टेट्रा बोरेट के नाम से भी जाना जाता है, डाई सोडियम टेट्रा बोरेट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बोरोन कंपाउंड है और ये सॉल्ट होता है बोरिक एसिड का। ना देखिए क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली। तो प्योरिटी ऑफ वाटर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को इंस्ट्रूमेंटली फाइंड आउट करके। तो ऑप्शन ए में है विस्कोसिटी रिफ्रैक्टिविटी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी है एंड देन ऑप्शन डी है कंडक्टिविटी। आंसर है इसको ऑप्शन डी, कंडक्टिविटी के थ्रू हम प्योरिटी ऑफ वाटर जो है उसको असेस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटली। देखिए कंडक्टिविटी जो है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन होती है इसकी। वाटर के केस में अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी क्या होती है, मेजर ऑफ वाटर्स कैपेबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक फ्लो। तो वाटर की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो पास हो पाए इलेक्ट्रिक फ्लो से, तो उसको मेजर किया जाता है कंडक्टिविटी के फॉर्म में। देखिए ये एबिलिटी जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द वाटर। तो जितनी आयन्स की कंसनट्रेशन होती है उसके फॉर्म में ही कंडक्टिविटी जो है उसको मेजर किया जाता है। इसकी वजह से ही देखिए पता चलता है कि वाटर जो है वो प्योरीफाइड है या नहीं। ये कंडक्टिव आयन जो है ये कम फ्रॉम डिजोल्व सॉल्ट इन ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एल्कालीज क्लोराइड सल्फाइड एंड कार्बोनेट कंपाउंड्स। तो मान लीजिए देखिए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मान लीजिए वाटर जो है उसमें इस तरह के कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि उसको इम्प्योर बना रहे हैं जैसे एल्कालीज क्लोराइड्स सल्फाइड कार्बोनेट। अगर इस तरह के जो आयंस जो है प्रेजेंट है वाटर में तो उसी को ये मेज़र करती है, वाटर की कंडक्टिविटी उसी के थ्रू मेज़र की जाती है और पता लगाया जाता है कि वाटर जो है वो प्योरीफाइड है या नहीं। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज बल्किंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। तो इसमें से किसको यूज़ किया जाता है एज अ बल्किंग एजेंट फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट जो है उनमें। ऑप्शन में देखिए सोडियम क्लोराइड है, स्टार्च, HPMC या मैनिटॉल। आंसर है इसको ऑप्शन डी, मैनिटॉल को यूज़ किया जाता है इस तरह के जो फॉर्मुलेशन होती है उनमें। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मैनिटॉल का। मैनिटॉल को बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है बल्किंग एजेंट की तरह जो फ्रीज ड्राइंग फॉर्मुलेशन डिज़ाइन होता है उनमें। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेनिफिट क्या है देखिए मैनिटॉल को यूज़ करने का इन तरह के फॉर्मुलेशंस में, कि मैनिटॉल जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है फ्रीज ड्राइंग के समय, जिसके कारण क्या होता है वो फेवर करता है हाई सब्लिमेशन रेट्स को। इसी वजह से मैनिटॉल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स जो है उसमें एज अ बल्किंग एजेंट। देखिए विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट। तो इसमें से कौन सा ऐसा फिलर है जिसको नहीं यूज़ किया जाता अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स में, जिसके कारण ड्रग का जो टैबलेट है वो डिसकलरेशन उसका ना हो, इस वजह से उसको नहीं यूज़ किया जाता। तो देखिए ऑप्शन में है डाई कैल्शियम फॉस्फेट माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज स्टार्च एंड लैक्टोज। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन दी, लैक्टोज को नहीं यूज़ किया जाता है इस तरह के प्रिपरेशंस में। क्या होता है देखिए लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है इन दोनों ही से मिलके बना होता है। लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, देखिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। ये शुगर कंपाउंड ये शुगर होती है जो कि कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एंड इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ना देखिए डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये कॉमनली यूज्ड वाटर इनसोल्युबल फार्मास्यूटिकल रिसिपिएंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल रिलीज मिक्स मैट्रिक्स टाइप टैबलेट जो है उसकी फॉर्मुलेशन में, उसको बनाने में। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को भी यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्शन जो है उसमें, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ बल्किंग एजेंट। एंड देन स्टार्च को भी यूज़ किया जाता है एज अ ग्लाइडेंट एंड बाइंडर की तरह टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में।
अंदर के क्वेश्चन है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो देखिए, एक तरह का सिंड्रोम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ड्रग, कौन सी कैटेगरी की ड्रग में ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, इस तरह का एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है, इसमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग में। तो देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं सल्फोनामाइड्स, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। तो आंसर है इसका देखिए ऑप्शन ए, सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है इस तरह का सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। क्या होता है देखिए, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, देखिए ये दोनों ही सिंड्रोम जो होते हैं ये एक तरह की सीवियर क्यूटेनियस हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं ये। तो इसमें होता क्या है देखिए, ड्रग्स स्पेशली जैसे सल्फर ड्रग्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं एंड एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो वो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, वो बहुत कॉमनली कॉज करती हैं इस तरह के एडवर्स इफेक्ट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम टाइप के एडवर्स इफेक्ट। क्या होता है इसमें देखिए, मैक्यूज फॉर्म हो जाते हैं। मैक्यूज क्या होते हैं देखिए, डिसकलर्ड एरिया ऑफ स्किन होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के डिसकलर्ड एरिया ऑफ स्किन जो है ये फॉर्म हो जाते हैं स्किन पे, और ये बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होने लगते हैं पूरी की पूरी बॉडी पे, जिसके कारण क्या कर देते हैं ये एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग कॉज कर देते हैं, छाले हो जाते हैं बॉडी पे, नेक्रोसिस कॉज करते हैं, सेल डैमेज कर देते हैं एंड स्लॉगिंग कर देते हैं। स्लॉगिंग मतलब क्या होता है कि जो लेयर ऑफ स्किन है, जो डेड स्किन है उसकी एक लेयर जो है वो शेड होने लगती है, वो रिमूव होने लगती है स्किन से। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं, इस तरह की कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं इस तरह की जो डिसीज़ होती है, इस तरह का जो सिंड्रोम होता है उसमें, जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है सल्फोनामाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग में। तो ये क्वेश्चन है, आर्टेमिसिन कंटेन द फॉलोइंग ग्रुप इन इट स्ट्रक्चर। तो इसमें पूछा है आर्टेमिसिन जो है इसमें से कौन सा ग्रुप होता है उसके स्ट्रक्चर में, तो एंडोपरऑक्साइड, एक्सोपरऑक्साइड, एपोक्साइड या एसिड हाइड्राजाइड। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंडोपरऑक्साइड ग्रुप कंटेन करता है आर्टेमिसिन अपने स्ट्रक्चर में। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आर्टेमिसिन का। आर्टेमिसिन जो है वो एंड उसके जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं ये ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है मलेरिया के अगेंस्ट, जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम से होता है मलेरिया, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है आर्टेमिसिन को। एंडोपरऑक्साइड ग्रुप देखिए कौन सा होता है, 1, 2, 4 ट्राइऑक्सेन रिंग होती है। देखिए, 1 अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 2 देन 3 एंड देन 4, तो 1, 2, 4 ट्राइऑक्सिन रिंग जो होती है वही उसको हम एंडोपरऑक्साइड ग्रुप कहते हैं आर्टेमिसिन में। तो यही जो होती है, ये जो ग्रुप होता है, ये रिंग जो होती है, यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है एंटी मलेरियल, अपने एंटी मलेरियल इफेक्ट के लिए यही रिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, 1, 2, 4 ट्राइऑक्सिन रिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। देन आर्टेमिसिन जो है ये फास्ट एक्टिंग ड्रग होता है अपनी अर्ली स्टेज ऑफ पैरासाइट डेवलपमेंट की, अर्ली स्टेज में ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग ड्रग होती है एंड आर्टेमिसिन, और ये एक्टिव होती है इवन इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो है उसमें भी ये अपनी हाई एक्टिविटी शो करती है। देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज। तो इसमें पूछा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसको ओरली नहीं दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में, क्या रीज़न होता है उसका। देखिए, ऑप्शन में है, इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, इट कॉज मेटालिक टेस्ट इन माउथ, सीवियर डायरिया इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट और नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT। तो GIT के थ्रू स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट इज़ वाई इसको ट्यूबरकुलोसिस में ओरल रूट से नहीं दिया जाता है, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। देखिए, इस तरह के इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है। देन ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, देखिए ट्यूबरकुलोसिस एक तरह की डिसीज़ होती है जो कि कॉज्ड होती है बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू ये स्प्रेड होती है। ये बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है देखिए, बट दूसरे पार्ट्स जो है बॉडी के वो भी अफेक्ट हो जाते हैं इस तरह के बैक्टीरिया से। TB जो है वो स्प्रेड होता है बेसिकली एयरबॉर्न होता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। जब पर्सन जिसको ट्यूबरकुलोसिस है जब वो स्नीज करता है या जब उसको कफिंग होती है या जब वो टॉक करता है तो उसके थ्रू जो है ये इस तरह का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाता है, दूसरे पर्सन पे पहुंच सकता है इस तरह का इन्फेक्शन, दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है जो इस तरह के पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक तरह की एंटीबायोटिक है जिसको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जिसमें से एक ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, इंजेक्टेबल रूट से दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है। देखिए, देन और किस किस में दिया जाता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में दिया जाता है, एंडोकार्डाइटिस में दिया जाता है, प्लेग एंड रैट बाइट फीवर में भी इसको दिया जाता है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई, तो इसमें बोला है पूछा गया आपसे कि इसमें से कौन ऐसा मेंबर है जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई नहीं है, वो पीसीआई का एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं है। देखिए ऑप्शन में है द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर इसका देखिए ऑप्शन ए, द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं होता है पीसीआई का। देखिए ये तीनों ही होते हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द डायरेक्टर द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, बट ये नहीं होता है एक्स ऑफिशियल मेंबर। तो देखिए ये इसमें एक तो एक्स ऑफिशियल मेंबर बहुत सारे इसमें होते हैं मेंबर्स पीसीआई जो होते हैं उसमें, तो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में ये तीन होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसमें क्या क्या होते हैं देखिए कौन कौन होता है, देखिए प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और ये दोनों ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये जो सेंट्रल काउंसिल होती है फार्मेसी काउंसिल उसके खुद के मेंबर जो होते हैं वही चुनते हैं इन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को, वही इलेक्ट करते हैं। देन फाइव मेंबर्स और इलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल काउंसिल जो है उसी के द्वारा, उनके खुद के ही मेंबर जो हैं उनके उनसे ही वही सिलेक्ट करते हैं, उनमें से ही सिलेक्ट किए जाते हैं ये फाइव मेंबर्स भी। सो नेक्स्ट ना देखिए यूजिनॉल इज प्रेजेंट इन, तो यूजिनॉल इसमें से किस में प्रेजेंट होता है आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए में है तुलसी या बेसिल जिसको हम कहते हैं उसमें, देन ऑप्शन बी में है फेनल, कार्डेमम या कोरिएंडर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, तुलसी में प्रेजेंट होता है यूजिनॉल। देखिए क्या होता है ये यूजिनॉल का स्ट्रक्चर है एंड इस तरह के प्रिपरेशन अवेलेबल होती हैं मार्केट में यूजिनॉल की। यूजिनॉल जो है ये क्या होता है, ये मेंबर होता है फिनाइल प्रोपेनॉइड क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड का ये मेंबर होता है, एक तरह का कलरलेस टू पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, एरोमेटिक ऑयली लिक्विड होता है जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्लोव ऑयल से, नटमक से, सिनेमन से, बेसिल से या बे लीव से। तो आपको ये सारे ही याद रखने हैं, इन सब में ही यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। देखिए क्लोव में भी प्रेजेंट होता है, नटमक में, सिनेमन में, बेसिल और एंड बे लीव में भी प्रेजेंट होता है। ना देखिए जिंक को बिलोबा इज यूज्ड फॉर इट्स, तो इसमें पूछा है आपसे कि जिंक को बिलोबा जो है उसको इसमें से किस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन में देखिए एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी, एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी, लिपिड लोअरिंग एक्टिविटी या पीएजी एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है जिंक को, बिलोबा को। इस तरह की प्रिपरेशन होती हैं देखिए ये अवेलेबल होती है मार्केट में एंड इस तरह की फॉर्म में अगर हम इसको देखें कि किस तरह की फॉर्म में ये नेचुरली किस तरह की होती हैं, तो इस तरह की लीफी फॉर्म्स में होती हैं जिंक को बिलोबा। जिंक को बिलोबा जो है उसको देखिए जिंक गो या जिंक को के नाम से भी जानते हैं, और इसको ऑल्सो जानते हैं मेड इन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं, मेड इन हेयर ट्री के नाम से। तो ये सिर्फ जो ये जो है जिंक को बिलोबा ये सिर्फ ओनली लिविंग स्पीश बची है, सिर्फ जिंक को फाइटा अगर हम कैटेगरी देखें जिंक को फाइटा स्पीश में ये सिर्फ एक ही लिविंग स्पीश जो है वो रिमेनिंग है, बाकी सभी जो स्पीशीज़ हैं इस कैटेगरी की जिंक को फाइटा की वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, सभी विलुप्त हो चुकी हैं अगर हम हिंदी में कहें तो सारी सिर्फ ये एक ही लिविंग स्पीच जो है वो रिमेन है। ओपन ट्रायल में देखिए जिंक को बिलोबा जो है इसको जो ये एक्सट्रैक्ट की गई थी लीफ ऑफ चाइनीज जिंको ट्री से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, और क्या किया गया पाया गया इसमें कि ये जो है इसकी बहुत ही अच्छी सेरेब्रल एनहांसिंग इफेक्ट जो है सेरेब्रल एनहांसिंग प्रॉपर्टीज में बहुत ही अच्छी पाई गई, तो इसीलिए इसको 84% इफेक्टिव पाया गया एज एन एंटी डिप्रेसेंट, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज एन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। देखिए क्वेशिया वुड इज़ एडल्ट्रेट विद, तो इसमें पूछा है कि क्वेशिया वुड इस तरह की वुड होती है देखिए तो वो किससे एडल्ट्रेट होती है मोस्टली, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है केसिया, अंगस्टिफोलिया, देन ब्रूसिया, एंटी डायसेंट्रिका, सिनेमोमम ज़ैलेनिकम या कैरापिकेई इपिकाक्वाना। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, केसिया अंगस्टिफोलिया जो है उससे एडल्ट्रेट होती है जो क्वेशिया वुड होती है वो, केसिया अंगस्टिफोलिया जो है उसको अलेक्जेंड्रिया सेना के नाम से भी जानते हैं, देन सिनेमोमम ज़ैलेनिकम को ट्रू सिनेमन ट्री के नाम से भी जानते हैं, एंड देन ये देखिए कैरापिकेई इपिकाक्वाना जो है इसको इपिकाक्वाना के नाम से जानते हैं। तो क्वेशिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है, देखिए यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर जिसको हम एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं, देन इनडाइजेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज़ किया जाता है, फीवर में भी यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो यूज़ किया जाता है इसको बहुत सारे जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं इंटेस्टाइन वॉर्म्स जो हैं उससे गेट रिड, उससे
छुटकारा पाने के लिए भी इसको लिया जाता है, एज ए टॉनिक के फॉर्म में, परगेटिव के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है, एंड इन फॉर्म ऑफ माउथ वॉश भी इसको यूज़ किया जाता है। देखिए, द गिवन एंटीबायोटिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनसामाइसिन। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि एनसामाइसिन क्लास ऑफ ड्रग जो है उसका एग्जाम्पल है एक। तो देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है रिफामाइसिन, देन रोजिक्थ्रोमाइसिन, एड्रियामाइसिन या ओरियोमाइसिन। देखिए, आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिफामाइसिन जो है वो एक तरह का एनसामाइसिन क्लास ऑफ ड्रग के अंदर वो आता है। क्या होती है, देखिए, एनसामाइसिन जो है ये फैमिली ऑफ बैक्टीरियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। देखिए, एक तरह के बैक्टीरिया के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिन जो कि अपनी एक तरह की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ना, मोस्टली वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, बट इन सम ऑफ द केसेस वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं एनसामाइसिंस। तो देखिए, इसमें अगर एनसामाइसिंस के अंडर स्ट्रेप्टोवेरिसिंस भी आते हैं एंड रिफामाइसिंस जो हैं ये दोनों ही आते हैं, स्ट्रेप्टोवेरिसिन एंड रिफामाइसिन। तो अगर आपको स्ट्रेप्टोवेरिसिन भी दिया गया हो किसी ऑप्शन में तो वो भी एनसामाइसिन जो है वो उस क्लास ऑफ ड्रग जो है उसके ही अंडर आता है। देखिए, द अमाउंट ऑफ बारबालोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा इज, तो इसमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ बारबालोइन कितना प्रेजेंट होता है एलोवेरा में। तो देखिए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3.5 to 4% बारबालोइन प्रेजेंट होता है एलोवेरा में। क्या होता है, देखिए, अलोइन या हम कह सकते हैं बारबालोइन क्या होता है, तो उसको हम अलोइन भी कहते हैं बारबालोइन को, जो कि एक तरह का बिटर येल्लो टू ब्राउन कलर लिक्विड होता है या कंपाउंड हम कह सकते हैं, तो येल्लो टू ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है जो कि 68 एलोवेरा स्पीशीज जो है उसमें नोट किया जाता है, उसमें पाया जाता है, एंड उसका अमाउंट जो है वो 0.1 to 6.6% ऑफ ड्राई लीव वेट होता है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हमें 3.5 to 4% यही दिया गया है, दैट इज़ वाई हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, बिकॉज ये 0.1 to 6.6% तक पाया जाता है 68 एलोवेरा स्पीशीज जो है उनमें, और ये किस कलर का होता है, येल्लो टू ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। सो next इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP इज, तो इसमें पूछा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अंडर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाला शेड्यूल है इसमें से कौन से शेड्यूल के अंदर आता है GMP। देखिए, ऑप्शन में दिया है कि शेड्यूल M, शेड्यूल C, शेड्यूल Y या शेड्यूल H। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शेड्यूल M के अंदर आती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, इसमें क्या और इसमें कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए, शेड्यूल सी जो है वो कंटेन करता है वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और उसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं शेड्यूल सी में, जिससे एग्जाम्पल हम देखें तो सीरम्स एंड एड्रेनालिन्स जो है इस तरह के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो शेड्यूल इस तरह के प्रिपरेशन को शो करता है वो होता है शेड्यूल सी, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेशन को शो किया जाता है। देन शेड्यूल वाई के अंडर क्या आती है, ये कंटेन करता है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो देखिए, सारे ही शेड्यूल जो है वो आपको पता होने चाहिए, इसमें से कोई सा भी शेड्यूल जो है वो आपको एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो बेटर होता है कि आपको सारे ही शेड्यूल पता हो। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे ही शेड्यूल्स का लिंक दे देंगे, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर उनको देखें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपको याद करने में ईजी होगा आगे भी। देन शेड्यूल एच जो है उसके अंडर क्या होती है, वार्निंग होती है टू बी सोल्ड बाय रिटेल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो इस तरह के शेड्यूल के में जो इस तरह के शेड्यूल के अंदर जिस तरह की प्रिपरेशन जो होती हैं वो सिर्फ सप्लाई की जा सकती है, सिर्फ लाइसेंस्ड पार्टी जो है वही उसको दे सकती है, सिर्फ फार्मासिस्ट जो है वही उसको डिस्पेंस कर सकता है इस तरह के प्रिपरेशन को। देन ये जो है ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह के प्रिपरेशन को नहीं सोल्ड कर सकता है फार्मासिस्ट, ये OTC ओवर द काउंटर नहीं मिलती है मोस्टली इस तरह के प्रिपरेशन, एंड जो अमाउंट कितना अमाउंट जो है वो पेशेंट को देना है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे। तो ये कुछ रेगुलेशन होती हैं शेड्यूल एच ड्रग जो है उनके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा।
द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स इज, तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें से हीलिंग एजेंट है जो हैंड क्रीम्स में यूज़ किया जाता है मोस्टली, तो ऑप्शन में देखिए सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, बीजवैक्स या स्टेराइल अल्कोहल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सॉफ्ट पैराफिन को यूज़ किया जाता है एज अ हीलिंग एजेंट हैंड क्रीम्स में। तो बेसिकली पेट्रोलियम जेली, पता होगा आपको पेट्रोलियम जेली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइट पेट्रोलियम के नाम से, सॉफ्ट पैराफिन के नाम से इसको जानते हैं। ये सेमी सॉलिड मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि ओरिजिनली जिसको प्रमोट किया गया था टॉपिकल ऑइंटमेंट की तरह उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 to 60। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कभी भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपको कोई भी सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे वे कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।